कोरोना वायरस के कहर के बीच पश्चिम बंगाल में सातवें चरण का मतदान हो रहा है। पश्चिम बंगाल के 34 सीटों पर 284 उम्मीदवारों के लिए मतदान हो रहा है। हालांकि इसी बीच दो पोलिंग बूथ से टीएमसी और भारतीय जनता पार्टी पोलिंग एजेंटों के बीच नोकझोंक की खबरें सामने आई। मालदा जिले के रतवा इलाके में बखरा गांव के एक पोलिंग बूथ पर भाजपा एजेंट ने टीएमसी कार्यकर्ताओं पर धक्का मुक्की का आरोप लगाया। वहीं पोलिंग बूथ नंबर 91 से बीजेपी एजेंट शंकर साकर ने कहा कि टीएमसी कार्यकर्ताओं ने मुझे धक्का दिया और यहां से चले जाने को भी कहा। हालांकि टीएमसी ने इन आरोपों को सिरे से खारिज कर दिया है और कहा है कि शंकर साकर यहां के मतदाता नहीं है, इसलिए उनसे सम्मान पूर्वक यहां से चले जाने के लिए कहा गया था। प्रॉब्लम हुआ जो हम 91 नंबर बूथ में एजेंट थे, वो लोग पार्टी कोई मेंबर्स जो है इलेक्टेड मेंबर, उन्होंने बोलता नहीं आपको बढ़ने नहीं देंगे, आपको वोट नहीं है, आपको जल्दी वो 12 आदमी मिलकर हमको उठा दिया। कौन लोग है? वो लोग बस्ती के गांव के है। कौन सा पार्टी से? वो यही है, टीएमसी के था। क्यों आप बीजेपी पोलिंग एजेंट होने के बाद आपको क्यों निकाल दिया उन लोगों ने? प्रिसाइडिंग ऑफिसर नहीं था? हाँ था। तो वो लोग जबरदस्ती करा। क्यों, किस लिए? ये बोला जो तू यहाँ के तो वोटर नहीं है, तुम्हारा वोट तो यहाँ नहीं है, तुम्हारा तो दूसरा जगह में वोट है, इसीलिए वो लोग बोला। प्रिसाइडिंग ऑफिसर आपको अलाउ किया था? हाँ, अलाउ कार्ड भी है मेरे पास में। तो आपको धमकी दिया गया? हाँ, धमकी दिया गया। कौन? तृणमूल कांग्रेस। देश दुनिया की खबरों के लिए एएनबी न्यूज को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं।